हेलो फ्रेंड, मेरे चैनल देसी तड़का में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मार्केट में बहुत ही बढ़िया कच्चे आम मिलने शुरू हो गए हैं और कच्चे आम मिलते ही दिमाग काम करने लगता है कि मीठा आम का अचार, खट्टा आम का अचार, मीठी लौंजी, आम पन्ना, हम कई तरह की चीज़ें सोच लेते हैं और बनाना सोचते हैं। तो आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ, मीठे आम की चटनी। तो मीठे आम की चटनी को लिए मैंने लिए हैं ये 5 आम। तो मैं इनको धो लेती हूँ और धोने के बाद इनके डंठल साफ करके और कपड़े से इन्हें पोंछ के छील लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, हमने इसको धो लिया है और धो के इनको पोंछ के हम कपड़े से इस तरीके से मीड़ मीड़ के पोंछेंगे, जिससे कि इसमें पानी बिल्कुल भी ना रहे, नहीं तो हमारी चटनी भी फफूंदी ले जाएगी। और फिर इसके बाद में इसका इस तरीके से हम ये डंठल भी हटा देंगे। तो इसी तरीके से मैं सभी आमों को साफ कर लेती हूँ। तो सभी आम को मैंने इस तरीके से साफ करके और पोंछ लिया है। अब हम इसका ये छिलका उतार देते हैं। तो हमने सभी आम को छील लिया है। अब लेते हैं ये कद्दूकस। तो हमें आम को इस मोटे वाली साइड से इस तरीके से कद्दूकस करना है। ये देखिए, मैं दिखाती हूँ इसके इस तरीके के हमें लच्छे बना लेने हैं। तो सभी आम को मैं कर लेती हूँ कद्दूकस। तो ये देखिए, हमने इस तरीके के इसके लंबे लंबे से लच्छे बना लिए। अब देखते हैं इसे साइड में। अब लेते हैं एक बर्तन, उसमें लेते हैं हम 1/2 चम्मच कलौंजी और 1 चम्मच लेते हैं हम इसमें सौंफ और 1/2 चम्मच लेते हैं इसमें मेथी दाना। तो इनको हम तीनों को मिक्स करके इसको कर लेंगे दरदरा ग्राइंड। हमें ये दरदरा ही पीसना है, ज्यादा बारीक या ज्यादा मोटा नहीं पीसना है। तो ये हमने दरदरा पीस लिया है। अब लेते हैं इसमें मसाले। तो ये लिया मैंने काला नमक। काला नमक इसमें जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि काले नमक की खुशबू और टेस्ट इसकी चटनी का दोगुना टेस्ट कर देगा। और लेंगे इसमें हम सफेद नमक। तो सफेद नमक हम थोड़ा ही ले रहे हैं, क्योंकि हमने काला नमक लिया है। थोड़ी सी लेंगे हम 1 चुटकी के करीब हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच लेंगे हम लाल मिर्च पाउडर। तो इनको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। अब इसे रखते हैं साइड में। अब लेते हैं ये गुड़। तो मैंने ये जो मार्केट में छोटे छोटे पीस मिलते हैं वो मैंने 4 टुकड़े लिए हैं। अब ये बहुत सख्त है गुड़, क्योंकि अभी गर्मी पड़ रही है तो ये थोड़ा सा सूखा हुआ है। तो हम इसे मिक्सी में डाल के इसका एक पाउडर जैसा बना लेंगे। तो ये देखिए, जैसे बाजार में गुड़ की खांड मिलती है, ये उस तरीके से हमारा पाउडर बन गया है। बिल्कुल बहुत एकदम बढ़िया। और आप चाहें तो आधा गुड़ और आधी चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं इसमें सिर्फ गुड़ का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अब रखते हैं गैस पे फ्राई पैन। तो फ्राई पैन में डालेंगे हम 1 चम्मच ऑयल। हमें सिर्फ ऑयल 1 चम्मच ही डालना है, इसमें ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है। बिना ऑयल के भी आप इसे बना सकते हैं। मैं इसमें 1 चम्मच ऑयल डाल दी। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब डालते हैं हम इसमें ये सारे मसाले और इन्हें हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स तेल में। अब इसके बाद डालेंगे हम ये आम। आम को भी कर लेंगे मिक्स मसाले में। गैस का फ्लेम रखेंगे एकदम स्लो। अब इसमें डालेंगे हम ये गुड़। तो गुड़ मैं इसमें डालूंगी 6 चम्मच। 1, 2, 3, 4, 5, 6। बस इसे एकदम मीडियम फ्लेम पे गुड़ को मेल्ट होने तक हम इसे पकाएंगे। तो अभी देखिए, ये हमारा गुड़ एकदम चाशनी सा बन चुका है। ये देखिए,
अब इसे हमें थोड़ा सा और गाढ़ा करना है। तो ये देखिए अब ये थोड़ा गाढ़ा हो चुका है। अब गैस का फ्लेम कर देते हैं बंद और इसे उतार लेते हैं नीचे। तो बस इसे ठंडा होने देते हैं और ठंडा होके इसे रख देंगे हम कांच के एक कंटेनर में। और ये बन गई हमारा मीठा अचार या मीठी चटनी, आप इसे किसी भी नाम से बुला सकते हैं। तो ये बस इसी तरीके से, और इसकी खुशबू काले नमक की वजह से इतनी अच्छी आ रही है कि बस बनाते ही मन करता है चट करने का। आप इसी तरीके से इसे बनाएं और किसी भी रोटी पूड़ी पराठा या किसी के साथ ही इसे इंजॉय करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं।